तो मुजफ्फरनगर का एक वीडियो वायरल हुआ, इस पर तमाम विपक्ष के नेताओं ने सरकार को घेरा, उसकी नीतियों को घेरा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भी एक नेता हैं जिन्होंने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और इस वीडियो की भत्सना की है। उस नेता का नाम है वरुण गांधी। जी हाँ, पीलीभीत से सांसद हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है इस मामले को लेकर आपको बताते हैं। तो पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट करके लिखा है, ज्ञान के मंदिर में एक बच्चे के प्रति घृणा भाव ने पूरे देश का सिर शर्म से झुका दिया। शिक्षक वो माली है जो प्राथमिक संस्कारों में ज्ञान रूपी खाद डालकर व्यक्तित्व ही नहीं राष्ट्र गढ़ता है। इसलिए दूषित राजनीति से परे एक शिक्षक से उम्मीदें कहीं अधिक है, देश के भविष्य का सवाल है। आपको बता दें कि हाल ही में मुजफ्फरनगर के एक प्राइवेट स्कूल का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कि एक टीचर के कहने पर एक मुस्लिम समुदाय के बच्चे की उसी के क्लासमेट से पिटाई करवाई जा रही है। साथ ही इस वीडियो में सुना जा सकता है कि टीचर की तरफ से धर्म सूचक शब्दों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। ऐसे में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वरुण गांधी, क्योंकि हमेशा से मुखर रहे हैं अपनी पार्टी को लेकर भी, अपनी सरकार को लेकर भी, तो एक बार फिर इस मामले को लेकर उन्होंने अपना रिएक्शन दिया है। हालांकि पुलिस इस मामले पर क्या कुछ कह रही है आपको बताते हैं। महिला टीचर द्वारा एक बच्चे को टेबल याद नहीं करने पर उसी क्लास के अन्य बच्चों के द्वारा मार लगवाई जा रही है एवं वीडियो में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी भी की जा रही है कि महिला टीचर द्वारा ये डिक्लेयर किया गया कि जिन मॉमडन बच्चों की माँ बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती है उन बच्चों की पढ़ाई का नाश हो जाता है। पुलिस कार्रवाई करने की बात भले ही कह रही है, लेकिन इस मामले पर जो शिक्षिका है, यानी कि जो इस पूरे मामले की आरोपी बताई जा रही है, जिनकी तरफ से बच्चे की पिटाई करवाई गई है, वो क्या कह रही है आपको बताते हैं। उस दिन जो हुआ था, ये हुआ कि वो बच्चा याद नहीं करके लाया, वो फर्स्ट क्लास का बच्चा था, तो उसके पेरेंट्स का दबाव था मेरे ऊपर कि इसे थोड़ा सा टाइटली पढ़ा दो। तो मैंने सोचा उनका, मैं विकलांग हूँ, मेरे से उठा नहीं गया, और ज्यादातर मैं वैसे ये काम तो मैं करती नहीं, पर पेरेंट्स ने ज्यादा ही वो किया, क्योंकि दो महीने से वो एक ही वर्क दिया जा रहा था तो वो बच्चा नहीं कर रहा था। तो मैंने जो है उसे दो चार बच्चों से उसको कहा कि दो चार बच्चे से लगा दो तो ये काम करने लगेगा। उसका चाचा जो बैठा था वो मुझसे बात भी कर रहा था और वीडियो बना रहा था। तो उसमें मैंने एक लाइन कही थी कि जितनी भी मोमडन माई हैं वो अपने बच्चों को मामाओं के यहाँ मत लेके जाओ, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं और बच्चा जो है एग्जाम नहीं दे पाता, हमारे स्कूल का लॉस होता है पढ़ाई का। तो शिक्षिका की बात भी आपने सुन ली, अब सुनिए अभिभावक क्या कह रहे हैं। जी हाँ, बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। वीडियो बना ली, हमारा भतीजा किसी कार्य के लिए गया था स्कूल में, उसने देखा है बच्चे को टॉर्चर करवा रही। आपने भी मैडम से बात की थी, मेरा बच्चा कमजोर है, उसको टाइट रखेंगे, कुछ ऐसा हुआ था? हाँ, ऐसा हुआ था कई दिन पहले, मगर इसे जो है टाइट रखियो, लेकिन मैडम ही मार सके थी बच्चे को, या एक आध बच्चा जो सीनियर होता है वो मार देता, कोई हमें मलाल नहीं हुआ था, लेकिन बच्चे को एक घंटा दो घंटा टॉर्चर करना 7 साल के बच्चे को, वैसे हिंदू मुस्लिम का कोई मैटर नहीं है इसमें। माहौल ठीक है यहाँ का, भाईचारा है गांव में भी गुहांड में भी, एक घंटा या दो घंटा बच्चे पे अत्याचार करना कोई वो समझदारी की बात तो है नहीं उनकी। हम तो ये चाह जो कानूनी कार्रवाई हो वो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।